नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा, जेसीटी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेज जयपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस एग्ज़ाम के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल और उसकी टाइपिंग। देखिए, ये आपने बातें सुनी होंगी कि एसएससी सीजीएल की टाइपिंग आप देख के भी करोगे तो भी हो जाएगी। एसएससी सीजीएल की टाइपिंग में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, थोड़ी सी स्पीड मांगते हैं, तो आप घर पर भी प्रैक्टिस करते हो तो हो जाएगी। मैं इस बात के लिए एग्री करता हूं कि जो बच्चे एक लंबे टाइम के लिए करते हैं, जैसे 2-2.5 महीने अगर आराम से टाइपिंग करते हैं तो वो घर पे रहकर भी सीजीएल की टाइपिंग आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको डिस्टर्बेंस नहीं है या वो 2 या 3 की स्पीड ऊपर है तो एक माहौल के लिए घंटे भर के लिए किसी लैब को आसपास ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वो अलग अलग कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि पहले का सीनेरियो ये था कि एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग होती थी, अब मेंस के साथ इन्होंने टाइपिंग कर दी है। जब मैं बातचीत करता हूँ सीजीएल की टाइपिंग की तो उसमें पहले सबसे पहले हम 3 या 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। कितने की हमें स्पीड चाहिए, क्या एक्यूरेसी होती है, पेपर किस लेवल का आता है, बैकस्पेस होता है या नहीं होता, इन सभी बातों पे मैं आपको एक एक करके बातें बताने वाला हूँ। देखिए, जब मैं सबसे पहले बातचीत करता हूँ कि की स्ट्रोक कितने लिखने होंगे, तो आपको 2000 की स्ट्रोक लिखने पड़ते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। टाइमिंग रहती है आपकी 15 मिनट की। जब मैं पैटर्न की बात करता हूं तो 5 की स्ट्रोक पैटर्न फॉलो करता है एसएससी। 5 की स्ट्रोक पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड रहती है लगभग 26 पॉइंट समथिंग। मैं अप्रोक्स मान के चलता हूं कि 27 की आपको स्पीड चाहिए। 2000 की स्ट्रोक आपको टाइप करने हैं 15 मिनट के अंदर। फिक्स वर्ड आते हैं 2000 की स्ट्रोक के अंदर। मैं एक बात और बताऊं तो उसके अंदर जो आपका स्पेस बार होता है वो भी इंक्लूड होता है। मान के चलिए कि मेरा मनोज नाम है, MANOJ, और उसके बाद में अगर मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूं तो वहां पे 6 की प्रेस हो गई आप लोगों के लिए। अब देखिए, बातचीत करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है। 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। अब ये सवाल उठता है कि सर, 15 मिनट के अंदर अगर हमने 2000 की स्ट्रोक प्रेस कर दिए तो हम क्या करें? अगर आपने कर दिए तो आप दोबारा से उसे रिपीट नहीं करना है आपको, आपके कंप्लीट हो गए। अब बातचीत करते हैं कि उसके अंदर बैकस्पेस अलाउ होता है या नहीं होता। एसएससी बैकस्पेस अलाउ करती है और वो भी फुल बैकस्पेस अलाउ करती है। आप बैकस्पेस कितनी बार भी ले सकते हो, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इतनी बार ही बैकस्पेस लेना है। और मॉडरेट लेवल का एग्जाम आने की संभावनाएं रहती है। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आता। 570-580 के आसपास की वर्ड लेंथ आप मान के चल सकते हैं। जैसे आपको टाइपिंग शुरुआत करनी हो तो आप हमारी लर्निंग की वीडियोज़ हैं इंग्लिश की, आप उन्हें तीनों को देख के आप लर्निंग की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप हमारे टाइपिंग लैब ज्वाइन करना चाहते हो तो हमने अभी अभी एसएससी के लिए टाइपिंग बैच स्टार्ट किया है, 2 घंटे का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बातचीत करता हूँ कि आप अगर रिपीट नहीं कर सकते तो आप बचे हुए टाइम में क्या करोगे। देखिए, एसएससी आपको एक संभावनाएँ और देती हैं कि अगर आपने पहले बैकस्पेस लेके जितने भी एरर्स आपने सही की हैं उसके बाद में भी अगर आपकी कोई एरर्स बच रही है तो आप दोबारा से उस पैराग्राफ को रीड करके उन गलतियों को दोबारा से सुधार सकते हो और उस बचे हुए टाइम के अंदर। मान लीजिए आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद में भी आप उन अशुद्धियों को देख सकते हो। कुछ सवाल और उठते हैं जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि आप लोग भी कम की स्ट्रोक प्रेस करो तो भी क्या पास हो सकते हो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक्यूरेसी की जब मैं बातचीत करूं तो यूआर कैटेगरी के लिए 80, जो अनरिजर्व कैटेगरी रहती है उसके लिए 80%, बाकी कैटेगरियों के लिए 25% और 30% एरर का समाधान होता है। लेकिन आप 93-95 एक्यूरेसी मान के चलिए सीजीएल के अंदर, क्योंकि कुछ पोस्टों के लिए वो हाई एक्यूरेसी भी डिमांड कर सकते हैं जो अपनी हायर लेवल की पोस्टें होती हैं। तो ये तो सूचना रही सीजीएल की टाइपिंग के बारे में। अगर सीजीएल से रिलेटेड, अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको देने की कोशिश करेंगे। जेसीटी परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।